दोस्तों, एटीट्यूड किसी को जलाने और दिखाने की चीज़ नहीं होती। एटीट्यूड तो लाइफ में कामयाबी पाने की एक चाबी होती है, जो आपके सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि ज़िंदगी एक खेल है और ये हमें तय करना है कि हमें खिलाड़ी बनना है या खिलौना। क्या आपको पता है, हमारे दिमाग में डेली 50,000 से भी ज़्यादा थाट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव थाट्स और नेगेटिव थाट्स। पॉजिटिव थाट्स हमें सक्सेसफुल बनने की उम्मीद देते हैं, अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और नेगेटिव थॉट्स ये कहते हैं ये मत करना वरना फेल हो जाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं, तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, हम इन दोनों में से किसे ऑर्डर देते हैं। मान लो आप ये कहते हो आज का दिन बहुत ही बुरा है, तो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे और वो बोलेंगे हाँ यार, आज तो सच में दिन कितना खराब है, कॉलेज जाने का भी मन नहीं कर रहा, ऑफिस से आज छुट्टी ले लेता हूँ, आज दिन सच में ही बुरा है। अब अगर आप ये कहते हो यार आज का दिन तो बहुत ही जबरदस्त है, उसी वक्त आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, यार आज तो कॉलेज में सभी लड़कियां साड़ी पहनकर आने वाली हैं, उनका एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा, मुझे ऑफिस जरूर जाना चाहिए, घर पर रहकर क्या करूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हर सिचुएशन में हर मौके पर ये अपना अपना काम करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे ऑर्डर देते हो। दोस्तों, ये 5 एटीट्यूड आपको स्मार्ट और शार्प बना देंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आपकी लाइफ आसान बना सकती हैं। सबसे पहली बात, किसी काम के लिए हाँ मत कहो, और हाँ कहो तो उसे पूरा भी करो। भाई बुरा मत मानना, पर दोस्तों हमारी कद्र लोगों के सामने इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हम अपनी बात पर अटल नहीं रहते, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। भाई या तो किसी काम के लिए हाँ ही मत बोलो, जो कि सबसे सिंपल है, या फिर हाँ बोलो तो उसे हर हाल में पूरा करो। मान लो आपके दोस्त को पैसों की सख्त ज़रूरत है और उसने आपसे पैसों की हेल्प मांगी है, और उस वक्त आप उसे हाँ बोल देते हो, पर जब पैसे देने का वक्त आता है तो आप अपनी जुबान से पलट जाते हो और कहते हो यार मेरे पास पैसा नहीं है, और फिर कुछ टाइम बाद तुम ये कंप्लेन करना शुरू कर देते हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा, तो इसमें गलती आपकी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसे उम्मीद ही मत दो कि मैं तेरी हेल्प करूंगा। आपकी इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपका एटीट्यूड लोगों के सामने खराब होने लगता है। दूसरी बात, दोस्तों हिंदी में एक मोस्ट पावरफुल शब्द है मौका। सही मौके पर सही डिसीजन लेना भी एक स्मार्ट एटीट्यूड है। अगर हमारा एटीट्यूड सही होता है तो हमें फील होता है कि हम हीरो से भरी खान में बैठे हुए हैं और मौके हमारे पांव तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको पहचानना है। क्योंकि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तब लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तब उसके पीछे भागते हैं। मान लो आपकी एज 18+ है, तो ये वक्त तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये मौका निकल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सही वक्त पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही डिसीजन भी गलत डिसीजन बन जाता है। तीसरी बात, समझदारी वाली बातें करें, समझदारी का परिचय दें। कई लोग एटीट्यूड तो दिखाते हैं, लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर उनके एटीट्यूड के हिसाब से वो समझदारी वाली बातें आपको नहीं मिलती। इसलिए आप ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति से समझदारी वाली बातें करें और अपने बात करने का तरीका सही रखें, तभी उन्हें आपके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। मान लो आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन से बात कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी समझदारी इसी में है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, और एक बच्चे की तरह उसकी बातों को ध्यान से सुनो। आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी उसकी नजरों में ज्यादा होगी। चौथी बात, फील करें कि मुझमें एक अच्छा एटीट्यूड शामिल है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कराई गई एक स्टडी के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को जॉब या तरक्की उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, बल्कि अकलमंदी या जानकारी की वजह से सिर्फ 15% मौकों पर ही लोगों को जॉब मिलती है। इस एग्जाम्पल से आप अंदाजा लगा सकते हैं एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल बनने के लिए। मान लो आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिन सवालों के आंसर आपको नहीं पता थे, आप उन सवालों पर भी अनकंफर्टेबल नहीं हुए, और आपने सिर्फ यही कहा मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है पर मैं इसके बारे में सीख जरूर लूंगा। आपने आंसर दिया उस सवाल का ना सही, पर इंटरव्यूअर को आपने इंप्रेस कर लिया, और ऐसा पॉसिबल
पॉसिबल होता है सिर्फ हमारे एटीट्यूड की वजह से। पांचवी बात, कोई भी काम करो तो अपने आप पर पूरा ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट ना हो तो उस काम को पहले अच्छे से करना सीखो, फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। मान लो आपको बाइक सीखनी है, तो बाइक सीखते वक्त हम गिर सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, पर एक बार सीख जाने पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर हम अच्छे से बाइक चला पाते हैं। आप जो भी करें उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, आपका आधा काम अपने आप पूरा हो जाएगा, आपको तो बस उस काम की शुरुआत करनी है। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और स्मार्ट बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। फिर मिलेंगे, टेक केयर।